की मीटिंग का ये प्रोफेटिक बोले गए। आज इस मीटिंग का स्टार्ट में मैं आपको प्रोफेटिक देता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, इस वचन को पूरा करना मैं शास करता हूँ। जब परमेश्वर के मन में वो चीजें अपनी सुविच्छा को डाले, आपके सालों के बंद रस्ते भी खुले, सालों की बीमारियां जाए। ऐसे परमेश्वर ने आपके मन में डाला कि पहले आपके बेटे को नौकरी दूंगा मैं, फिर तेरी बच्ची का रिश्ता होगा। ऐसे आपके मन में डाला पर... इस बहन का नाम कुलदीप है और शिवताल गांव के रहने वाले हैं। और इस बहन की बेटी की गवाही जे बता रहे हैं कि जो उनकी मैरिज से उसकी मैरिज से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि जे बता रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी रिश्ते देखे उसके लिए, पर जहां भी उसका रिश्ता देखकर आते थे वो वहां से उन्हें मना कर देते, वो ना कर देते थे, जिसके कारण जे काफ़ी परेशान हो जाते थे। और जे बता रहे हैं कि जैसे जे हर एक मीटिंग में भी आ रहे थे, और इन्होंने बताया कि जब परमेश्वर के दास के द्वारा ब्लेसिंग वर्ड्स आते थे कि ब्लेसिंग वर्ड आता था कि जिनकी मैरिज लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है तो परमेश्वर ने ब्लेस करने वाले, जो बता रहे उस समय भी जो रिसीव करते थे, प्रेयर भी करते थे, पर जो बता रहे कि जैसे जो रिश्ता देखकर आते तो जब मना कर देते तो इनका मन काफ़ी परेशान हो जाता था। और इसके कारण जो बता रहे कि जो इनके रिश्तेदार थे वो भी इन्हें कहते थे कि आप तो चर्च जा रहे हो पर आपका जो काम तो हो नहीं रहा। और इस बात के कारण भी कई बार इनके मन ने इनको दोष लगाया कि हम संगति में भी जा रहे हैं, मीटिंग को अटेंड करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रेयर करते हैं, जब परमेश्वर अपने दास के द्वारा वर्ड देते हैं हम रिसीव भी करते हैं, पर क्यों नहीं हमारे लिए हो रहा। पर जैसे इनका मन इनको दोष लगाता तो हर समय परमेश्वर के दास इनको उत्साहित करते, टीच करते कि परमेश्वर ने जिसने आपको बनाया वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए जो काम कठिन है वो हर समय इनको उत्साहित करते, टीच करते, तो फिर से इनका मन परमेश्वर के साथ और भी जो रिश्ता वो बनाते कि परमेश्वर आपके लिए सब कर सकते। और जैसे जो विश्वास करते रहे, और जो बता रहे कि एक समय तो इनका मन इनके मन ने ऐसे जिन्होंने बताया कि एक समय तो इन्होंने परमेश्वर को छोड़ने का मन भी बना लिया, क्योंकि इनका जो काम नहीं हो रहा था कि रिश्ता नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने बहुत जगह अलग अलग जगह रिश्ते देखे, पर हर समय जब भी रिश्ता देखते तो वो मना कर देते और जवाब हो जाता था इन्हें, जिसके कारण इनका मन इन्हें दोष लगाता, जे परेशान हो जाते बहुत ज़्यादा। पर परमेश्वर भले हैं, जैसे जब मीटिंग में आ रहे थे तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा 7 मई की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड दिया कि आपने प्रेयर करनी है, और जो भी परमेश्वर आपके मन में अपने सुविच्छा को लगाए तो आपने बताना है। पहले मसाओ इस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। आज की मीटिंग का ये प्रोफेटिक है, बोले क्या आज इस मीटिंग का स्टार्ट में मैं आपको प्रोफेटिक देता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, इस वचन को पूरा करना मैं शास करता हूँ। जब परमेश्वर आपके मन में वो चीजें अपनी सुविच्छा को डालेगा, आपके सालों के बंद रस्ते भी खुलेंगे, सालों की बीमारियां जाएंगी। जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और इन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, परमेश्वर से मांगा, क्योंकि इनकी इस कारण जे काफ़ी परेशान थे, जब इन्होंने प्रार्थना की और जब जे सिस्टर फिर 14 मई की मीटिंग में आए तो जो परमेश्वर ने इनके मन में अपनी सुविच्छा को डाला था, तो जैसे इन्होंने अपनी सुविच्छा परमेश्वर के दास को बताई, अभी हम उस वीडियो क्लिप को भी देखेंगे। पापा जी मैं ये प्रार्थना करती सा अपने परिवार वास्ते, भी मेरे बच्चों वास्ते प्रभु जी सब कुछ कर चुके, जो मेरे बच्चे ये विशिया पाई भी तेरी बच्ची का रिश्ता बाद होगा, पहले तेरे बच्चे नौकरी दवांगे। ऐसे परमेश्वर ने आपके मन में डाला कि पहले आपके बेटे को नौकरी दूंगा मैं, फिर तेरी बच्ची का रिश्ता होगा, ऐसे आपके मन में डाला। हाँ जी पापा जी। पर इसके लिए क्या करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि बस ऐसे इतनी बात डाली? बात ही डाली पापा जी।
बता रहे हैं कि जैसे ही परमेश्वर ने अपनी सुइच्छा इनके मन में डाली तो इन्होंने बताया, क्योंकि जो इनका छोटा बेटा है वो काम करता था, कभी काम उसका रुक जाता था, कभी उससे मिलता, कभी वो जाता, ऐसे कारण इससे भी काफ़ी परेशान थे। और जैसे ही परमेश्वर ने अपनी सुइच्छा डाली तो अभी परमेश्वर ने सबसे पहले इनके छोटे बेटे को काम के साथ, जॉब के साथ ब्लेस किया है। और जैसे ही परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग दी तो परमेश्वर ने जैसे अपना अपनी इच्छा को डाला तो उसके बाद ही परमेश्वर ने इनके बेटे के लिए भी अपने रास्ते को खोल दिया। अभी परमेश्वर ने इनकी बेटी की बेटी का रिश्ता भी हो गया है, एंगेजमेंट होगी, और परमेश्वर ने इनकी बेटी को रिश्ते के साथ ब्लेस कर दिया है। और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करते कि सच में जब परमेश्वर अपने दास को अगुवाई करते हैं, अपनी ब्लेसिंग को देते हैं आपके लिए, तो परमेश्वर करने की सामर्थ रखते हैं। सच में उस सामर्थ से आज परमेश्वर ने इस ब्लेसिंग के साथ इन्हें ब्लेस किया है। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। सुनो सुनो, इनकी आपकी बेटी नहीं आई आज? हाँ, जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। आपकी बेटी कहाँ है? नहीं पापा जी, और नहीं आई, बेटा काम से जाता, 3 बजे ना तैयार होके। ओके ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुनो, अब इनकी वो क्लिप भी है जब इनकी बेटी ने वो रिसीव किया था उस दिन जी, मुझे याद है जी। हा? बोलोगे, वो क्लिप है आपके पास? जी पापा जी। हाँ, वो दिखाओ मुझे क्लिप। तो अभी हम उस क्लिप को भी देखेंगे। हाँ ठीक है। पापा जी मेरी, मैं हमेशा ही सोचती रहनी है कि पता नहीं की प्रॉब्लम है, कि जहाँ मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, कि मतलब मेरी जिंदगी विच प्रॉब्लम है। तो मैं परमेश्वर गाड़ी रखिया सी कि परमेश्वर जी तू ही मैनू इस्तेमाल करो अपने काम लिए, तू ही मेरे मन च शुभ इच्छा पाओ। परमेश्वर जी उन्होंने मेरे मन च पाया कि तेरा रिश्ता हो जाएगा, पर जिथे भी तेरा कितना रिश्ता होएगा, जेड़ा पहला शगन है वो तू अपने भवन दे विच देंगे, जेड़ा भी तेरी मैरिज का पहला शगन होएगा। अब देखो परमेश्वर, ये तो मेरे माइंड में तो नहीं आया कि ऐसे भी परमेश्वर, मैंने तो कुछ चीजें बताई ना कैसे ऐसे परमेश्वर आपके मन में डालेगा। अब देखो इसके मन में क्या डाल दिया। तो कितनों को पता है कि ये प्रोफेटिक कितनी तारीख का है? 7 मई। 7 मई को तो ये प्रोफेटिक आपको परमेश्वर ने मेरे मुंह से दिया था कि 3 दिन तक आपने प्रेयर करनी है हर दिन। बोलो कितने दिन? 3 दिन। और परमेश्वर आपके मनों में अपनी शुभ इच्छा को डालेगा, आपको बताएगा कि आपके रुके हुए काम क्यों नहीं हो रहे, आपको हीलिंग क्यों नहीं मिल रही, आपको चंगाई क्यों नहीं मिल रही, आपको ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल रही। शायद लोग कईयों ने, क्योंकि हमने पिछले दिनों में भी इसके ऊपर गवाहियां सुनी थी, ऐसे नहीं कि नहीं सुनी थी, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया, बोलो क्या, जिन लोगों ने समझ कर विश्वास से प्रैक्टिकल किया, उन लोगों की हमने पिछले दिनों में गवाहियां सुनी थी। क्योंकि जो वचन खुदा स्वर्ग से देता है, जब तक वो पूरा नहीं होता, बाइबल में लिखा व्यर्थ ठहर कर परमेश्वर ने कहा मेरे पास वापस नहीं आता। पर होता क्या है कि कई बार अगर आप शरीर में हो तो आप थोड़ी देर तक धन्यवाद करोगे, प्रार्थना करोगे, धीरे धीरे हुआ नहीं तो आप अपनी चाहत को, अपने विश्वास को छोड़ दोगे। बोलो क्या है? अपनी चाहत को, अपने विश्वास को छोड़ दोगे। बोलो क्या करोगे? पर देखो, अगर खुदा ने स्वर्ग से दिया तो क्यों नहीं होगा? तो मैंने आपको स्पेशली बोला था कि परमेश्वर आपके मन में सुइच्छा डालेगा, आपको बताएगा क्या करना। कुछ भी परमेश्वर आपके मन में डालेगा, कोई भी चीज हो सकता। कईयों के मन में परमेश्वर ने ऐसे डाला कि तूने इतने लोगों को सुसमाचार देना। कईयों के मन में कुछ, कईयों के कुछ, जैसे इनकी अभी सबसे पहले हमने इनकी गवाही सुनी सिस्टर की, कि इनके मन में परमेश्वर ने डाला कि ठीक है मैं काम करूंगा, पर सबसे पहले तेरे बेटे को ब्लेसिंग मिलेगी, उसे नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, फिर तेरी बेटी का रिश्ता होगा। सेम वैसे ही हुआ जैसे परमेश्वर ने अपनी सुइच्छा के इनके मन में डाला। बोलो क्या डाला? सेम वैसे ही हुआ। पहले ब्लेसिंग मिली, बेटे को जॉब मिली, और थोड़े दिनों के बाद बेटी का रिश्ता भी क्या होगा। बोलो क्या है? और सुनो, अभी इनके मन में परमेश्वर ने ऐसे डाला, बेटी के मन में डाला कि जब भी मेरा रिश्ता होगा, खुदा ने मेरे मन में डाला कि
जितना भी वो क्या करते हैं एंगेजमेंट, हाँ क्या कहते हैं बोलो, उनको माइक दो। पापा जी पहला ठाके दा सगन, हाँ ठाके दा सगन बोलते हैं ना, तो जितना भी वो ठाके दे सगन च जो कुछ भी सगन मिलेगा, वो जितना भी सगन होएगा उस इनकी बेटी के मन में परमेश्वर ने डाल दिया, तो वो सारा कहां पे लेकर आना है, किसके घर में देना है, बोलो किसके घर में देना है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि जिस खुदा पर आप विश्वास करते हो आपके रुके हुए काम खुले ना, हो नहीं सकता, बोलो क्या है, ऐसे हो ही नहीं सकता। और जैसे ही परमेश्वर ने उसके मन में डाला सेम वैसा ही हुआ। ये है प्रोफेटिक, रियल प्रोफेटिक, रियल बातें। जैसे परमेश्वर ने दिया और वैसे सुविचा डाल रहा और सेम वैसे वैसे ही काम हो रहे हैं। आमीन। ये है सत्य, और इससे प्रूफ होता है, बोलो क्या है, इससे प्रूफ होता है कि वो जीवित खुदा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, जो बड़े बड़े काम करने वाला है, हमारे बोझ को हल्का करता है, हमारे मन, क्योंकि जब ये हो नहीं रही थी इनकी बेटी की शादी, रिश्ता नहीं हो रहा था, तो कई चीजों को लेकर मन खराब कर रहे थे। जैसे हमने पिछले हफ्ते में रखी ना मीटिंग्स, एक हफ्ते की प्रार्थना में, ऐसे ही जब गुड फ्राइडे और ईस्टर की मीटिंग थी, तो मैंने कहा था कि एक हफ्ता तब भी प्रेयर चलेगी और जितने लोग हैं उसमें आना, आपके रुके हुए क्या होंगे। तो वो उनकी बेटी स्पेशली उस प्रेयर में आती रही। सुनो हुआ क्या, लगातार वो इनके यहाँ पे कोई पास ही इनके रिश्तेदार थे, वो उनकी बेटी वहां पे रुक गई, ताकि दूर से आना जाना क्या है, डिफिकल्ट है, औखा है, तो ठीक है रिश्तेदारों के पास रुक जाते हैं, इतने दिन की प्रेयर है तो चलो इस काम को करते हैं ताकि जो रुका हुआ काम है हो जाए। पर हुआ क्या, जब हफ्ते की प्रार्थना में आए तो वो समय निकल गया। कुछ समय बाद ये मुझे कह रहे थे कि जैसे आपने कहा था कि हफ्ते की प्रेयर में आओ कोई बात नहीं होगा, अब देखो मेरी बेटी हफ्ते की प्रार्थना में भी आती रही, देखो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लोग हमें बातें कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, तुम जाते हो तुम्हारा काम नहीं हो रहा। लोगों की मत सुनना कभी भी। क्यों दाऊद कहता है, धन्य है जो यहोवा पर क्या रखता है। लोग कांटे हैं, कांटे, लोगों की बातें कांटे की तरह, कांटे की तरह, लोगों की बातों में आओगे तो कुछ नहीं आप पा सकते। तो ये लगातार इनका मन इन्हें दोष दे रहा था, और लगातार शैतान इनके मन में नेगेटिव विचार डाल रहा था। कई बार तो यहां से शैतान ने इन्हें तोड़ना चाहा, कई बार इनका मन इतना खराब कर दिया कि संगति को छोड़ दो, काम तो होना नहीं, या तो संगति छोड़ दो, जहां प्रभु छोड़ दो, जहां कोई फिर कोई और साइड देखते हैं, कोई और देखते हैं, कहां से होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे ऐसे उस समय इनके जीवन में ये सब कुछ चल रहा था, बोलो क्या चल रहे ना, पर मैं समझाता रहा, नहीं 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 ऐसे नहीं है, देखो आपका परमेश्वर कौन है, बोलो क्या है, देखो आपका परमेश्वर कौन है, वो क्या नहीं कर सकता। धन्यवाद है उस खुदा का कि इन्होंने मेरी बातों पर जो मैं समझाता रहा ये टिके रहे और बने रहे। अगर उखड़ जाते तो शायद और भी शैतान गड़बड़ करता, बोलो क्या है। पर धन्यवाद है परमेश्वर ने जिनके इनके मन को अच्छा रखा, बने रहे, उन बातों को सीखकर उन पर विश्वास करते रहे। आज आपके सामने है कि जो खुदा ने स्वर्ग से प्रोफेटिक दिया आज आपके सामने है। बेटे को भी जॉब मिल गई है, बेटी की भी एंगेजमेंट हो गई है, बोले क्या हो गई है, और ये आज खुश हो, अभी कितना खुश हो, बहुत पापा जी। क्या बताना चाहते हो थोड़ा दसो लोगों नू कि साडा जेड़ा परमेश्वर है वो की कर सकता, थोड़ा जा अपने मन की गल दसो। साडा परमेश्वर बहुत बड़ा है, साडा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर दिल दया गुझ लेंदा वा, सानू खुश रखदा वा,
खुश रखता है। सानू बहुत खुश किया पापा जी, जदों मैं तैयार होनी हाँ मैं खुश होके नहीं हाँ जाती जो रिश्ता करने जाती हाँ। परसों गई पापा जी, पापा जी बहुत खुश होके गए, बहुत वधिया रिश्ता होया पापा जी, बहुत सोहने घर का मिलिया, वधिया सोहने घर का हो गया। हाँ जी, नहीं आप लोगों को क्या मैसेज थोड़ा बताना चाहते हो कि ये आप बता सकते हो ना कि कभी भी अपने मन को परमेश्वर से खराब नहीं करना, जैसे मैंने कर लिया था। हाँ हो गया था ना, ये लोगों को थोड़ी सी अपने मुंह से बताओ कि मेरे भाइयों मेरे बहनों अपने मन को खराब ना करना, हमारा परमेश्वर जीवित और सच्चा वो काम करने वाला है। थोड़ा बताओ मेरे भेड़ो मेरे भाइयों, वो जीवित परमेश्वर अपने मन को खराब ना करना, वो जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। तो सब कुछ करने की क्या रखता है, सब कुछ क्या रखता है, बोलो सब कुछ करने की ताकत रखता है कि नहीं? कैसे गाते हैं, ओ ताकत दा परमेश्वर, ओ ताकत दा परमेश्वर, ओ जीवन दा परमेश्वर, ओ ताकत दा परमेश्वर, ओ जीवन दा परमेश्वर, ओ जलाल दा परमेश्वर, अज सबनों शुरहार, ओ जलाल दा परमेश्वर, अज सबनों शुरहार, ओ ताकत दा परमेश्वर, हालेलुया बोलते हुए, जीवन दा परमेश्वर, ओ ताकत दा परमेश्वर, ओ जीवन दा परमेश्वर, ओ जलाल।